कोरोना का पलटकर वार, कराची वालों खबरदार। कोरोना की पांचवी लहर कराची में असर दिखाने लगी। 24 घंटों में सबसे ज्यादा 650 केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.25% तक पहुंच गई। महकमा तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में 12 से 18 साल के तलबा और अमले की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। लाहौर के किंग एडवर्ड कॉलेज के 26 तालिबात में वायरस की तशखीस, हॉस्टल में ही करंटीना। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के मजीद 34 केस सामने आ गए। होशियार, खबरदार, सिंध में कोई कोरोना पाबंदी नहीं लगी। सोशल मीडिया पर सिंध में लॉकडाउन का जाली नोटिफिकेशन वायरल हो गया। तालीमी इदारे, मैरिज हॉल से लेकर सिनेमा, मजारात पर बंदिश की खबर गलत कहे। अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, उनको मैं एक किस्म से खुशखबरी दे रहा हूँ कि अगले चंद दिनों के हफ्तों में हम उनके पास पहुंचे और हम उनको बता देंगे कि उनका उनकी इनकम कितनी है। अब नोटिस नहीं देंगे, टैक्स लेंगे। टैक्स ना देने वालों तक पहुंच चुके, बस स्विच ऑन करना है। हमारे पहुंचने से पहले टैक्स रिटर्न फाइल कर दो तो अच्छा है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने टैक्स ना देने वालों को खबरदार कर दिया। बोले, मनसब पर रहा तो सबको इनकम टैक्स बल्कि सेल्स टैक्स भी देना होगा। हम वो नहीं जो खुद करें। इमरान खान मिस्टर क्लीन हैं। आईन के तहत कोई चोर और झूठा वजीरे आजम नहीं हो सकता। कानून के तहत चोर और झूठा साबित हो जाने वाले इमरान खान इस्तीफा दें। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने कह दिया, इमरान खान सादिक है ना अमीन। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे की तरह इमरान खान के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। भाई रोटी बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। तो जहाज का रूप कभी इस तरफ भी आएगा? इंशाल्लाह तारा आगे देखें, जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज तो हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखे ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? याद भाई, आप क्या चाहते हैं? इमरान खान के सभी मुस्कुराए तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। जहांगीर तरीन की ख्वाजा साद रफी की बेटी की शादी में शिरकत। सहाफी ने पूछ लिया, क्या तरीन का जहाज कभी नून लीग की तरफ जा सकता है? जेकेटी बोले, जहाज तो हर तरफ जा सकता है, जो होना है वही होगा। पाकिस्तान के अवाम का ये जो है ये सैलाब बाहर सड़कों पर निकलेगा तो इनके सामने कोई नहीं ठहर सकेगा। ये तबाही लाने वाले जो है ये तारीख में गुम हो जाएंगे। 27 फरवरी को अवामी सैलाब इस्लामाबाद का रुख करेगा, कोई आगे टिक नहीं पाएगा। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं, तारीखी लॉन्ग मार्च से तबाही लाने वाले तारीख में गुम हो जाएंगे। हुक्मरानों को समझाने की बहुत कोशिश की, अब मैदान में निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राणा शमीम के बयान हलफी की खबर पर तौहीन अदालत का केस। मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने तमाम फरीकैन को सोचने का मौका दे दिया। समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्ला ने रिमार्क्स दिए, जितनी मर्जी तनकीद की जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अपने अदालती करियर में सिर्फ 2 मरतबा तौहीन अदालत का नोटिस लिया। आज तक कौन सा फैसला ऐसा हुआ जिससे तासुर मिला इस अदालत का कोई जज दबाव में है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार दे दी। नेवी सेलिंग क्लब को 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म, अमल दरामद रिपोर्ट तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नेवी का इख्तियार नहीं कि रियल एस्टेट वेंचर करे। साबिक नेवल चीफ ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके आईन की खिलाफ वर्जी की है। गैर कानूनी इमारत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मिसकंडक्ट और फौजदारी कार्रवाई का हुक्म। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में स्मोक की छुट्टी हो गई। फजाई आलूदगी में लाहौर 11वें नंबर पर आ गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। चाइना चौक की गली महल्लों में पानी जमा। रिहायशियों को मुश्किलात। ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। कई घंटों की ताखीर से मुसाफिर रुल गए। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। 3 बच्चे जहां बहक हो गए। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। कौमी शाहराहें बंद हैं। मुसाफिर फंसकर रह गए। वजीर आजम ने वजीर आला बलूचिस्तान से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। NDMA को गवादर और तुर्बत में मुतासरीन को फौरी इमदाद पहुंचाने की हिदायत।
वसाइल के एतबार से सिंध पाकिस्तान का मालामाल सूबा है, लेकिन यहाँ के हुक्मरानों ने सिंध को हमेशा नज़रअंदाज किए रखा। असद उमर कहते हैं, सिंध में पर्ची कल्चर बनाया गया, स्कूल में दाखिले से लेकर नौकरी, ट्रांसफर और तरक्की तक सब कुछ पर्ची सिस्टम पर चलता है। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी। आज सिराज उल हक धरने में आएंगे। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करेंगे, धरना जारी रखेंगे। पाकिस्तान निजात, अमरीकी खातून वजिया स्वाति की मैयत अमरीका रवाना कर दी गई। वजिया स्वाति पाकिस्तान आमद के बाद अक्टूबर से लापता थी, बाद में लाश लकी मरवत से मिली। साबिक शोहर रिजवान हबीब एतराफ़ जुर्म कर चुका, दीगर साथियों के साथ अडियाला जेल में है। अमरीका में 100 साल सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया। 18 रियासतें बर्फ से ढक गईं, लाखों घर बिजली से महरूम हो गए। कैंटकी का बुरा हाल, जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं। टेनेसी, आर्कनसा, लुइसियाना, मिसिसिपी और अलाबामा में बर्फ के तूफान। कैपिटल हिल हमले का 1 साल मुकम्मल। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कौम से खिताब में कहा, तारीख में पहली बार एक सदर इलेक्शन हारा और उसने इक्तदार की पुरअमन मुंतकली रोकने की कोशिश की। जमहूरियत का गला काटने की इजाजत नहीं देंगे। आईसीसी की T20 क्रिकेट की प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीली। मुकर्रा वक्त पर ओवर्स मुकम्मल ना करने पर जुर्माना मैच के दौरान ही किया जाएगा। इजाफी ओवर्स के दौरान एक फील्डर को दायरे के अंदर फील्डिंग करना होगी। मैच में पानी के वक्फे का फैसला टीमें सीरीज के आगाज से पहले करेंगी। बेन स्टोक्स पर किस्मत मेहरबान। एशियाई सीरीज के चौथे टेस्ट में कैमरून ग्रीन की बॉल विकेट से टकरा गई, बेल्स ना गिरी। ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दे दिया, रिव्यू लिया तो थर्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। एक डेढ़ माह पहले कैंप लगेगा तो फिर मेडल मुश्किल हो जाएंगे। और जो दूसरी बात है कि प्राइवेट स्पॉन्सर की, तो उसमें ये देखें कि एक खिलाड़ी क्या क्या करेगा। पूरा फोकस एशियन गेम्स, बीच गेम्स और आलमी इवेंट पर है। अगर अभी से तैयारी शुरू कर दी तो मेडल्स पक्के हैं, लेकिन अगर एक महीना पहले ट्रेनिंग कैंप लगा तो मेडल मुश्किल होंगे। कौमी रेसलर और साबिक वर्ल्ड चैंपियन इनाम भट्ट की गेम सेट मैच में गुफ्तगु। एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर एथलीट अपने लिए स्पॉन्सर भी खुद तलाश करे तो फिर इदारों का क्या काम है। रंगों से खेलते खेलते तालीम का शौक अधूरा रह गया, रंगों का शौक चढ़ गया। रंग समझ ले दोस्त बन गए, और किसी भी चीज़ पे जब मैं काम स्टार्ट करता हूँ तो डिज़ाइन खुद बखुद आते रहते हैं और उस पर मैं पेंट करता रहता हूँ। और ट्रक आर्ट पाकिस्तान की खूबसूरत पहचान, हैदर अली ने दिया इसे नया मकाम। दीवारों, कपड़ों और आरायशी अशिया के बाद अब ट्रक आर्ट डिज़ाइन के जूते भी बना लिए।